जय जगन्नाथ सुधि भक्त मंडली सिद्धार्थ भक्ति चैनल रो दाढ़ेता भक्ति कार्यक्रम को आपण मानको स्वागत आलोचना रे मो सहित भाग नौछंती विदुषी प्रज्ञा राउत जय जगन्नाथ। पूर्व अध्याय रे हम श्रवण करूथिलु जे रघु अरक्षित निजर पत्नी अन्नपूर्णा को धरी नीलाचल धाम अभिमुखे यात्रा करूथुआ बेले पथ मध्यरे जेते संकट जेते विपद बा शत्रुंकर आक्रमण ताकु प्रभु को स्मरण करते से कला धला घोड़े चढ़ी बलराम जगन्नाथ दुई भाई आसी सिंह विक्रम सुरक्षा प्रदान करिछंती पथ पारी कर देइछंती सीमा पारी कर देइछंती कृतज्ञता पूर्वक रघु अरक्षित एवं अन्नपूर्णा जाई नीलाचल महाप्रभुंकर मंदिर दक्षिण पार्श्वरे अवस्थान करिछंती। आज तत्परवर्ती विषय आलोचना करिवा प्रभु कर प्रसाद प्रभुंकर जो आशीर्वाद बा प्रभुंकर जो सुरक्षा तार बल भितर अछंती रघु अरक्षित। प्रभुंकु दर्शन कले दक्षिण पारुसे रहिले मंदिर खंडी एक किणी तही रहिले बेनी प्राणी। मंदिर खंडे एक किणी तही रहिले बेनी प्राणी जो भक्त रामदास लिखिछंती दक्षिण पारुसे रहिले ठीक अछि किंतु रघु अरक्षितंक पाखरे अर्थ कोठु आसीबो गोटे मंदिर से किणिबे किणिकरि सेठी रहिबे। जेतेबेले से ससुर घरु आसीले से समय रे एते तांकर मनमालिन्य दूर होइ जायथला तनु से सेति गोले अलंकार किछि श्रद्धा सहित किछि दान देइथिले। अच्छा निस्तवर सांगर देइथिले सेटा तांक पाखरे सुरक्षित एजाबत थिला तनु सेथिरु से गृह बा मंदिरटा घरटा किणि परले प्रभुंक दर्शन पाइबा पई सकल चिंता दूरे तेजी हृदय प्रभु को भावे भजी न जाने अन्य कथा मान निरते गोविंद गायन। एथर चिंता सब दूर हो गला प्रभु को दर्शन कले प्रत्येक मुहूर्त से प्रभु को नाम रे मजे चलले रे मुढ़ मन दारु ब्रह्म को कर प्रेम रे मुढ़ मन दारु ब्रह्म को कर प्रेम अनुग्रह कले प्रभु पारि हबु एही भबु श्री छंदा चरणे प्रज्ञा मन रे मुढ़ मन दारु ब्रह्म को कर प्रेम निरते गोविंद भजन दारु ब्रह्म को भजन दारु ब्रह्म को अर्चना दारु ब्रह्म को वंदन दारु ब्रह्म को प्रेम रे उभय पति एवं पत्नी तुमको दर्शन करिले अन्नपूर्ण होइब एही कथा गोटी नाथ हे जुगे जुगे रहिब। प्रभु को दर्शन कले गोटे अन्न कण पूर्ण होइजिब आ सहजे त रघुंकर पत्नी होचनी अन्नपूर्णा तेणु न जाने अन्य कथा मान निरते गोविंद गायन दारु ब्रह्मक लीला जेते भजुण थाई अनुव्रते त्रिधूप पंच अवकाश खटिण थाई प्रभु पास। दारु ब्रह्मंकर लीला को से दर्शन करे प्रभु को दर्शन करे से षाठिए पौटी खिया से छप्पन भोग को जी आस्वादन करुछंती छप्पन भोग भुंजुछंती जो जगन्नाथ महाप्रभु सकल चिंता छाड़ी तांकु भजन करुछंती दर्शन करुछंती एवं तांक नाम तांकर कीर्ति तांक गुण गोविंद गुण गायन करुछंती अविरत भाव रे। आउ दारु ब्रह्मंक लीला जेते भजुण थाई अनुव्रते त्रिधूप पंच अवकाश तीनोटी धूप सकाळ धूप आउ मध्यान्ह धूप एवं संध्या धूप धूप तो तीन थर आउ पंच अवकाश सकाळु मूल गोपाल बल्लभ ठारु आरंभ करी जो पंच अवकाश जेपरी पांच थर प्रभु प्रसाद प्रस्तुत हुए से समस्त प्रसाद को से कौन करुछंती ना त्रिधूप पंच अवकाश खटिण थाई प्रभु पास प्रभु पाखरे से खटिचंती किए प्रसाद खटिचंती पंच अवकाश खटिचंती किंतु ये मध्य प्रभुंकर लीला को देखी देखी
ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତନ କରି କରି ଇଏ ଗୋଟେ ଖଟିବା ସାଙ୍ଗରେ କହିଛନ୍ତି ରାମଦାସ, ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ, ଇଏ ଗୋଟେ ଖଟଣି ସତେ ଯେମିତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଇଏ ସେବକ ହିସାବରେ, ଭୃତ୍ୟ ହିସାବରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳାର ଅନୁଚର ହିସାବରେ, ଲୀଳାସଙ୍ଗୀ ହିସାବରେ ଖଟିଛନ୍ତି, ସେବା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କଳା ଶ୍ରୀମୁଖଙ୍କର ମୁଖକୁ ଚାହିଁ ତାଙ୍କରି ପ୍ରେମରେ ହରିଯାଉଛି ରଘୁନାଥ। କଳା ଶ୍ରୀମୁଖକୁ ଚାହିଁ ବାହୁନୁ ଥାଇ ତାଙ୍କ ଗୁଣ, ଦେଖିଣ ଶ୍ୱେତ ପଦ୍ମ ଡୋଳା, ଆନନ୍ଦେ ହେଉ ଥାଇ ଭୋଳା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଖକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୁଣକୁ ଗାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟର ତୁମେ ଏଇ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କୁ ମାରିଥିଲ, ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କର, ଏହା ତୁମର ପବିତ୍ର ଗୁଣ, ତୁମେ ଶରଣାର୍ଥୀକୁ ରକ୍ଷା କର। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୁଣ ଗାଉନୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାମ ପ୍ରେମରେ ଭୋଳା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ବାଇଆ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଭକ୍ତ ହେଉଛି ପାଗଳ, ଜ୍ଞାନୀ ନିଶ୍ଚଳ, କର୍ମୀ ହେଉଛି ଚଞ୍ଚଳ। ତେଣୁ ପାଗଳ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଭୋଳା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରେମରେ ସେ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯେଉଁ ଲେଖିଲେ ଶ୍ୱେତ ପଦ୍ମ ଡୋଳା, ଶ୍ୱେତ ପଦ୍ମ ଡୋଳା, ଡୋଳା ତ ହେଉଛି କଳା। ଆଚ୍ଛା, ତ ଶ୍ୱେତ ପଦ୍ମ ଭଳିଆ ଡୋଳା କେମିତି ହେଲା? ମୁଁ ଭାବୁଛି ଧଳା ପଦ୍ମରେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଭ୍ରମର ବସିଲା ପରିକା। ହଁ, କଳା ଶ୍ରୀମୁଖରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନେତ୍ରଟି ସେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ହଁ, ଯେମିତି କଳା ଡୋଳା ଭ୍ରମର ଚୁମ୍ବିଲା ପ୍ରାୟ ଏକ, କବି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା। ତେଣୁ ଏ ଶ୍ୱେତ ପଦ୍ମ ଡୋଳା ଯୋଉ ଲେଖିଲେ, ଦେଖିଣ ଶ୍ୱେତ ପଦ୍ମ ଡୋଳା ଆନନ୍ଦ ହେଉଥାଇ ଭୋଳା, ଭୋଳ ହେଇଯାଉଛି, ଯେମିତି କଳା ମୁଖ ଭ୍ରମର ଚୁମ୍ବିଲା ପ୍ରାୟକ। ଠିକ ଅଛି, ଶ୍ରୀପାଦ ପଦ୍ମ ନିତ୍ୟ ଭାବି ବୋଲେ ମୁଁ ପରିମୁଣ୍ଡା ଯିବି। ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ଯଦି ଭାବିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ତ ପାଦ ନାହିଁ, ପାଦ ପାଣି ନାହିଁ ତାଙ୍କର, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଏ ହସ୍ତ ପଦ ନାସା କର୍ଣ୍ଣହୀନ, କିନ୍ତୁ ସ୍ମରକୋଟି ନୁହେ ତେବେ ଶୋଭାକୁ ସମାନ। ସମାନ ହାତ ଗୋଡ଼ ନାହିଁ, କାନ ନାହିଁ, ଆଖି ନାହିଁ, ପାଟି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କୋଟିଏ କନ୍ଦର୍ପ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମ କେମିତି ହେଇନଥିବ? ତେଣୁ ଅନ୍ତରରେ ଶ୍ରୀ ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ନିତ୍ୟ ଭାବୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଖୋଜିବି ତାଙ୍କ ପାଦ କୋଉଠି ଅଛି। ଖୋଜିବେ କୋଉ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଯିବେ, ଯୋଉ ରତ୍ନ ସିଂହାସନର ଗୋଲେଇ ତାକୁ କହନ୍ତି ପରିମୁଣ୍ଡା, ଯେ ଆଗପଟେ ଦେଖାଯାଉନି, ହୁଏତ ପଛପଟେ ଥାଇପାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ। ତେଣୁ କହିଲେ ପରିମୁଣ୍ଡା ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ଯୋଉ ରତ୍ନ ସିଂହାସନକୁ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରିବାକୁ କହନ୍ତି ପରିମୁଣ୍ଡା। ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପରିମୁଣ୍ଡାକୁ ଯିବି, ଏମନ୍ତ ବୋଲି ଭାବ ଭୋଳେ, ନେତୃଲୋତକ ଧାରା ଗଳେ, କରେ ବଜାଇ କର ତାଳ, ଭଜନ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋପାଳ। ସେ ଭାବ ବିହୁଳିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋପାଳ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ପରଂ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ନାମକୁ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋବିନ୍ଦ ନାମା ତଥାପି ନା ତୁଲ୍ୟମ, ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ନାମରେ ଯେତେ ପାପ କ୍ଷୟ ହୁଏ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବା ମହତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦାନ ଦ୍ୱାରା ସେବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ତାହା ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୋବିନ୍ଦ ନାମ ଭଜନ, ନାମ ଚିନ୍ତ, ନାମ ଭଜ ନାମ କର ସାର, ଅନନ୍ତ ନାମ ମହିମା ଅପାରୁ ଅପାର। ନାମକୁ ଚିନ୍ତନ କଲେ, ନାମକୁ ଭଜନ କଲେ ଅପାର ମହିମା ଲାଭ ହୁଏ। ମାନେ ଏମିତି ଭାବରେ ସେ ନାଚୁଛି, ହାତରେ କରତାଳ ମାନେ କଂସାଳ ଧରେଇ ବା କର ତାଳି ମାରି, ବଜାଇ କର ତାଳ, ଭଜାଇ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋପାଳ, ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋପାଳ, ଗୋବିନ୍ଦ ଜୟ ଜୟ ଗୋପାଳ, ଜୟ ଜୟ ରାଧା ରମଣ ହରି, ଗୋବିନ୍ଦ ଜୟ ଜୟ। କିନ୍ତୁ କହୁଛେ ନାଚଇ କଳା ନାଟ୍ୟ ଘରେ, ତା ଭଙ୍ଗୀ କହିଲେ ନ ସରେ। ଏ ଯେଉଁ କଳା ନାଟ୍ୟ ଘର ଶବ୍ଦଟି ଲେଖିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ରାମଦାସ, ଅତି ସୁନ୍ଦର। ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କହୁ? ଆମେ ତାକୁ କହୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଣସର ପିଣ୍ଡି କୁହନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୁକୁଡ଼ି ଘର କୁହନ୍ତୁ, ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୟ ବିଜୟ ଦ୍ୱାରରୁ କଳାହାଟ ଦ୍ୱାର ଭିତରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନଟି ତାକୁ କୁହନ୍ତୁ, ବା ସୟନ ମନ୍ଦିର କୁହନ୍ତୁ, ସିଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଦେବଦାସୀମାନେ ସେଇଠି ନାଚୁଥିଲେ। ଜୟ ବିଜୟ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ ପଢ଼ାଇ ବଡ଼ ସିଂହାର ହେଇକରି ପଢ଼ ପଢ଼ୁଥିଲା, ସେଇଠି ଦେବଦାସୀ ନୃତ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ତାର ନାମ ହେଉଛି କଳା ନାଟ୍ୟ ଘର, ଅପଭ୍ରଂଶ ହେଇକରି ତାହା ହେଲା କଳା ହାଟ ଘର, ପୁଣି କ୍ରମେ କ୍ରମେ କଳା ରାହାଟ, ସେ ଯେଉଁ ଦ୍ୱାରକୁ ମଧ୍ୟ କଳା ରାହାଟ ଦ୍ୱାର ବୋଲି କୁହାଗଲା। ତେଣୁ ନାଚ ଏଇ କଳା ନାଟ୍ୟ ଘରେ, ତା ଭଙ୍ଗୀ କହିଲେ ନ ସରେ। ଜଗମୋହନେ ଗଡ଼ି ଯାଇ ଗରୁଡ଼ ପଛେ ଉଭା ହୋଇ, କଳା ନାଟ୍ୟ ଘରେ ନାଚେ ଜଗମୋହନ, ଯେଉଁଠି ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ଅଛନ୍ତି, ଷୋହଳଟି ଖମ୍ବ ବିଶିଷ୍ଟ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରର ସୁନ୍ଦର ଯେଉଁ ପରିସର, ତା ଭିତରେ ନାଚ ହୁଏ, ଏବଂ ସେଠି ସେ ପ୍ରେମରେ ଗଡ଼ିଯାଏ
भक्त विलज्ज उद्गायति नृत्यते च मदभक्ति भुक्तं भुवनं पुनाति। मदभक्ति युक्त भक्त भुवन को पवित्र कर दिए जेतेबेले से नाचे। विलज्ज उद्गायति नृत्यते च उच्च स्वर रे गान करिवो गोविंद नाम आउ गड़ी जीव नाच करिवो। ए भाव वर्तमान रघुनाथ भितर शोभा पाउछ किपरि भोल है गड़ी जाउछि। जणाई दुख सुख जेते चलई भिक्षार निमन्ते। गरुड़ पछरे उभा होइ जाउछि जगमोहन रे गड़ी जाउछि। प्रभु को निज दुख सुख जणे दउछि अंतरर आवेग भरा निवेदन अंतरर प्राणर परिभाषा से प्रभु को आगे प्रकाश करुछि। भक्तर हृदयर अंतरर अंतरात्मार भाव भाव को परमात्मा ग्रहण करुछंती। से जेतेबेले भक्तर हृदयबोध होउछि जे प्रभु मो कथाटा शुणीगले प्रभु सांगे भाव विनिमय होगला तापर भिक्षा पाई भक्त चली जाउछि। क्षेत्र रे बुली भिक्षा करे जे अबा मिले ता भाग्य रे घेनी चलई निज पुरे दियई नेई पत्नी ठारे पत्नी जा करई रंधन स्वामी ता करई भोजन निराश्रय मांग जगदीश रक्ष्य पूर्ण रूप रे गर्व दंभ अभिमान सबु किछि छाड़ी दे महाप्रभुंकर नाम गान करी क्षेत्र रे बुली भिक्षा कले। भिक्षा कले अहंकार रहिबो कोठ जे मागिला जे भिक्षा कला ता भितर अहंकार आसीबो कोठ। अहंकार विवर्जित होइगले परमात्मा पाखरे पहुँच भाई शीघ्र पहुँचि जाओ तेणु अहंकार शून्य होइगला। जहाँ भिक्षा मागि आणला पत्नी को देर देदेला पत्नी जहाँ रंधन कला ताकु भोजन कला रघुनाथ एवं ता धर्म तो रघुनाथ कला पत्नी मध्ये ता धर्म करूछि। स्वामी जदि खाई नांती अन्नपूर्णा जल ग्रहण करते नाई एमते वंच तरुणी पति की गुरु प्राय मणि। धन्य से अन्नपूर्णा धन्य से सती साध्वी पतिव्रता निजर स्वामी को गुरु स्वामी को भगवान स्वामी को ईश्वर एवं स्वामी को जीवन सबकि से मन कर स्वामी को पाई निजर जीवन को संपूर्ण त्याग कर दे त्यागमयी से पति की करे अति दया एकई प्राण बेनी काया ए मंत बंचु थाई दिन भजिन श्री मधुसूदन साधु जनंकु देखे जही निर्मल भक्ति कराई। मैंने से दी जन मोटामोटी भाव दीटा शरीर एवं एक प्राण अन्नपूर्णार मध्य स्वामी प्रति अत्यंत श्रद्धा प्रेम दया एक आत्मा पर से दुहे जाक चलुले तत्सहित भगवान को स्मरण करुले भगवान को सेवार नियोजित थिले एवं साधु संत को निर्मल भक्ति करुले। यहीपरी भाव जीवन धीरे 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 आगे जाऊला। गृहस्थ जीवन से जापन करुले नीलाचल भक्त भक्ता भाव स्वामी स्त्री रोते किंतु जेहेतु से दंपति तेणु तांकर गारहस्थ्य जीवन दाम्पत्य जीवन परस्पर प्रेम संलग्न थिला आबद्ध थिला एकात्मा पर चलुले ता सहित गृहस्थर सबुठारु बड़ धर्म होची अतिथि सेवा। तेणु गुरु विप्र अतिथि साधु संतंकु सेवा करे आतिथ्य प्रदान करे से गृहस्थ धन्य से गृहस्थ जीवन पुण्यवंत हो जाए भगवान तापर संतुष्ट हुवंती। आउ सेइति पई जे से पूजा करुची रघु अरखित कथा नुहे साधु संतंक सेवा करिया पई तार मन एति पई जे साधु जे मलय पवन काष्ठ को करंती चंदन साधु कृपा हेले गुरु कृपा हेले निश्चित भावरे जगन्नाथंक दर्शन आउरी प्रत्यक्ष हब। तेणु एमते बंचु थाई दिन भजिन श्री मधुसूदन साधु जनंकु देखे जही निर्मल भक्ति करई सकल जीवे दया तार निरते पर उपकार। सत्य शांति दया क्षमा ए चारि विष्णुंक महिमा। जिए सत्यरे थिबो शांतिरे थिबो दया करुथिबो क्षमा करुथिबो ये चारि गुण थिबो ये दया गुणटी मध्य तांक पाखरे अछि। लेखा जाइछि निरते पर उपकार सकल जीवे दया तार दया जोठि थिबो भगवान सेठि थिबे भगवान जोठि थिबे दया सेठि थिबो जे भक्त होइथिबो से निश्चित सकल जीवंकु दया करिबो। नहरे पर नारी वित्त नुहे कपट कुट चित्त कुट कपट ता भितर पसिबो भी नहि सेथिपाई तो कुहा जाइछि अद्रोहं सर्वभूतेषु कर्मणा मनसा गिरा अनुग्रहं च दानं च तेषां धर्म सनातनम्।
अर्थात सनातन धर्मर गोटे बलिष्ठ विधान होउछि समस्त अनुग्रह करिबा काहाकु द्रोह आचरण करिबा नाही कायो मन वाक्य रे एटा होउछि जणे सुधर्मी बा सुपुरुषर गोटे सुंदर लक्षण बा मो सनातन धर्मर गोटे बलिष्ठ अंग जहाँ कि रघु अरक्षित निज जीवन मध्य पर्यवेक्षित करूला सेवा करूला द्वारे देखिले अभ्यागते विप्र वैष्णव आदि जेते बांधव प्राय तांकु मणि तोषई देई अन्न पाणी एते दयालु थिला एते परोपकारी थिला अन्य मानकर मन को से बुझी पारु थिला जे तांक द्वार रे विप्र मानकु देखिले कि भक्त मानकु देखिले निजर मित्र प्राय से मानकु आदर करूला घर को डाकुला ये निजे भिक्षासी हेले मध्ये जहाँ तांकर स्वल्प संबल अछि सेथिरे तांकु आप्यायित करूला अति भगवान को भली अतिथि को सेवा से करूला चिंता न थाई तंक मन प्रभु प्रेम रे से मगन एमंत गला दीना केते टाकीर्ति सुभिला जगते बड़ विचित्र कथा चिंता न थाई तार मन ता मन रे चिंता ना चिंता गला कुआडे तांको अतिथि अभ्यागत को निज परी मन करुचे प्रभु प्रेम से मगन जेहेतु प्रभु प्रेम मग्न होणु अतिथि अभ्यागत कौटू आसबे प्रभु पठाई प्रभु प्रेरित सब प्रभु प्रेरित बोली से चिंता करुची आश्चर्य कथा जो भिक्षासी भिक मागि चलुची सी एवं जदि कौन भिकारी को आपड़ देखिए क्वचित दानी भिकारी जो दानी हम यह क्वचित किंतु रघु अरक्षित दान कर दिंती बहुत समय निजे न खाई नपी अतिथि अभ्यागत को संतुष्ट कर निजे पानी पी मध्य सोई पड़ती जदि जन अतिथि आप घरे आसी पहुँचे बहुत स्थान कह जाए आप अन्न पानी दे कि संतुष्ट कले नारायण सेवा कहुए ताहले भक्त रघु अरक्षित एठार नारायण सेवा ही करुँचंती तेणुतांर यो गुण ये गुण सबुआड़े व्यापीगला जे रघु अरक्षित पर जो भिकारी अच्छी देख ता घरे तुम जब पहुँचे जीव ताले से तुमको अन्न पानी दबो पाद धोवा को पानी दबो हाथ गोड़ धोब धोक तुमको ता पत्नी निजे कदमी पत्र प्रसाद बाढ़ी दबो तुम्हें पाइक आसब पेट पूरी जीव हो एड़े सुंदर अन्न व्यंजन से प्रस्तुत करे तार पत्नी किंतु भिकारी बोली ताकु कहिबा कौन लोके बोइले धन्य धन्य रघु अरक्षित जीव धन्य धन्य रघु अरक्षित जीवन धन्य कहीं ना दरिद्र हेले किस हेब दुर्लभ अटे तार भाव दरिद्र हेले कौन हो ता भावटा हूँ दुर्लभ जो भावरे से कौन करुचे भिक्षा मागिन से जीछि जे जहा मागिले देउछि भिक्षा से मागिन जीछि से भिक्षा करके दिन बचुची किंतु जीए जहा मागिले दौछि काहेकि ना ता भावटी दुर्लभ अटे तार भाव खाली सेतिकि नुहे जे जहा मागिले त देउछि ता सहित से प्रभुंकर परम भक्त आबर प्रभु नाम जेते गायन करू थांती नित्य कहे विनय धीर बाणी धन्य अटंती बेनी प्राणी ए खाली सेतिक नुह तांको भीतर दान अच्छी दारिद्रता थिले मध्ये तांकर हृदयटा होउछि बड़ धनी होउछि से धनरे धनी नुह मनरे धनी जहांकर मन भीतर बड़ पणिया नाही तांक पाखर जेते धन थिले भी से धनी हे पारिबे नाही सहज कथा कह जाय लोक ता सहित तार मन मध्य अच्छी तार सहित प्रभु प्रेम मध्य अच्छी आउ कौन अच्छी ना मधुर विनय वचन कथा कहीदेले तो सरी जाऊनी बाणी होउछि मधुर स्वामी स्त्री दिहे अतिथि मानकु जो भली भाव सेवा करुछंती जो भली भाव दान देउछंती जो भली भाव सुंदर मधुर वचन कही अमृत वचन कही समस्त मन को से संतुष्ट करुछंती तेणु दुर्लभ वास्तव धन्य धन्य रघुनाथ जे जहार भाव अच्छी तार अभाव कौटू आस जनकर बहुत धनरत्न अच्छी किंतु तार भाव ना जदि अतिथि अभ्यागत देख से मुह बुलेदेव कि सियाड़े पलतु जदि किए भिकारी टे कौन मगुच देख से इे मुह बुलेदेव ना हाथ हल मना करदेव ना जा आउ कौट देख आग छक देख तेब भाव
जो प्रेम भाव भक्ति भाव भगवत भक्तिर भाव जहाँ पाखे अच्छी अभाव तार ना तेणु से कोमल विनय वचन कही प्राणी मानकर मन को तोषुचंती हेमंत बोलती समस्ते प्रशंसा करी जे झामते हेमंत समय रे पुण वैष्णव सात पांच जन अपूर्व अटंती से माने ऐले क्षेत्र दर्शने सात पांच जन पाँच जन बा सात जन वैष्णव विष्णु भक्त वैष्णव आसिले क्षेत्र दर्शन करवाई आसी किंतु सेमानंक पछरे गोटे लागिला विश्लेषण जे सेमाने होचनी अपूर्व माने पूर्वरु सेमाने देखा नथिले जदि अपूर्व हेले ताले से आगुर नथिले आसिले कोठु भगवान निजे ये भक्तर बा रघु अरक्षितर ए दानी पणिया को परीक्षा करिया पई ए वैष्णव मानन को प्रेरण करनहंती तो निश्चित भाबरे कारण जिते सुना को पोड़ा हुए तार निर्मल पणियाटा शुद्ध पणियाटा से उच्छसित हुए उज्जवल हुए अच्छा। तेणु यह भगवान माय है पर तत्सहित जे आज जी आसी माने सी आउ आसबे ना स्वाभाविक भाव में पारे सी आगुरी पूरी आसी ना एवं आसते कौटू बाहर दूर देश आसीथे तेणु यटा कि बड़ कथा नुहे से माने काहीकि आसिले पूरी को आसिले भिक्षा संग्रह करने जिते आमर चारि आश्रम रही ग्राह्यस्थ बानप्रस्थ सन्यास एवं ब्रह्मचर्य ए चारि आश्रम मध्यरु ग्राह्यस्थ आश्रम को जननी बोली कहा जाए यथा मातरम आश्रित सर्वे जीवंती जंतवः तथा गृह आश्रम प्राप्य सर्वे जीवंती चाश्रमा जेउपरि भावरे माँ को आश्रय करी सबु जीव माने आश्रय नियंती बा सबु संतान माने मार हाथ टेका धन को खाद्य को चाह था ठीक से हीपरी भाव तथा गृहस्थ आश्रित ये जो तीन आश्रम ब्रह्मचर्य बानप्रस्थ सन्यास ये तीन आश्रम गृहस्थ आश्रम को माँ बोली भावे दान रही से दान ग्रहण कराद्य ग्रहण करते ठीक से हीपरी भाव ये साधु मान आसिले कहीं आसिले प्रवेश हेले नीलगिरी प्रभु दर्शन सारी बुलिले भोजन निमन्ते तहु बोइले जण केते भोजन निमन्ते एमाने बुलिले कारण जेहेतु एमाने सन्यासी एमानंकर गृहस्थ जीवन जापन नाही तेणु गृहस्थ घरे एमाने भोजन करिवे कोउटी भोजन करि एमाने खोजी बुलिले अच्छा नीलाचल रे आमे सुनिचु जे 22 पै पाच पक्का बा द्वाविंश पावच्छ जो अच्छी कैबल हेउची बिका हांडिक पड़े सीउका मनरंका छड़ाइबा पाखरे से सीउका नथिला हांडिए पाइबा किंतु जदि केही प्रसाद किणिकरी भोजन करूथाए साधु संत वैष्णव माने सेठी पहुँचिकरी सेठी प्रसाद सेवा करी पारिबे जदि सेमान तांगु आनंद डाकी भोजन देवे आनंद बजार रे दान मध्य करा जाए नहले हाथ बढ़े देले प्रसाद केवल कई मना करती से भोजन पे बुलवा एक विचित्र कथा मत लगुच ये पांच जन निश्चित भाव पंच सखा हेथबे नहले भगवान सृष्टि करथिबे निज मायारे ए वैष्णव मानंकु रघु अरक्षितंकु पुनः पुनः परीक्षा करिया पई सुना को जेते आउटिबो नियारे ता सेते उज्जवल हबो सज्जन वृंद आज समय हे जाइछि आमर ए दाढ़ता भक्ति कार्यक्रम को आज एठी रखिबा पुणी परवर्ती अध्याय रे परवर्ती पर्याय रे सुनिबा रघु अरक्षित एई पांच सात वैष्णव को किपरी चर्चा कले आज पई विदाय जय जगन्नाथ।